आपने तो विरोध कर रहे थे तो बीजेपी के लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई। कौन बीजेपी के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई उसको लेकर विरोध हो रहा है सर। अभी देखिए जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम जय भीम जय तेलंगाना जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया बीजेपी कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं उनको रिकॉर्ड चाहिए, छोड़िए ना बोलने का, बोल दिया अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति दर्ज करा रहे जय। अब हम उनके खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे, आपने सुना नहीं अभी क्या क्या बोला। लेकिन आपके आपके आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है भाई, मजलूम आवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगी मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम जय फलस्तीन, वो बोल दीजिए मिल जाएगा ना, उसमें ले लीजिए अब क्या। चलो बस 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 कहा था आपने तो विरोध कर रहे थे तो बीजेपी के लोग उस पर आपत्ति दर्ज कराई। कौन बीजेपी के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई उसको लेकर विरोध हो रहा है सर। अभी देखिए जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम जय भीम जय तेलंगाना जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया बीजेपी कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं उनको रिकॉर्ड चाहिए, छोड़िए ना बोलने का, बोल दिया अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति दर्ज करा रहे जय। अब हम उनके खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे, आपने सुना नहीं अभी क्या क्या बोला। लेकिन आपके आपके आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है भाई, मजलूम आवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगी मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम जय फलस्तीन, वो बोल दीजिए मिल जाएगा ना, उसमें ले लीजिए अब क्या। चलो बस 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 कहा था आपने विरोध कर रहे थे तो बीजेपी के लोग उस पर आपत्ति दर्ज कराई। कौन बीजेपी के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई उसको लेकर विरोध हो रहा है सर। अभी देखिए जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम जय भीम जय तेलंगाना जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया बीजेपी कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं उनको रिकॉर्ड चाहिए इसको रिकॉर्ड चाहिए, छोड़िए ना बोलने का, बोल दिया अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति दर्ज करा रहे जय। अब हम उनके खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे, आपने सुना नहीं अभी क्या क्या। लेकिन आपके आपके आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है भाई, मजलूम आवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगी मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम जय फलस्तीन, वो बोल दीजिए मिल जाएगा ना, उसमें ले लीजिए अब क्या। चलो बस 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 बस।